हे गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपको और भी अच्छा करने लेके आई आपकी रेड से एक बहुत ही धमाल वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो के रिएक्शन है कैसे आने वाले हैं? अच्छे, बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। अनएक्सपेक्टेड होने वाली है वीडियो, बहुत मज़ा आने वाला है। तो क्या है, आज हम प्रैंक करने वाले हैं हम दोनों मिलके इसके बंदे पे। और कंटेंट क्या होने वाला है यार, मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद चलकर वीडियो में देख लेना। अब एक काम करें, उसको फोन लगा, कहाँ पहुँच गया? हाँ यार, वो आ तो रहा था। जल्दी जल्दी लगा यार। स्पीकर पे डाल, स्पीकर पे। हेलो हेलो। हाँ दीदी। हाँ, कहाँ पहुँचे तुम? मैं तो आ रहा हूँ, आप कहाँ पे हो? मैं रिट्स के फ्लैट पे ही हूँ। रिट्स के फ्लैट पे हो? हाँ। चलो ठीक है, मैं आता हूँ। एक बार ऐसे करो, तो यार 10-15 मिनट में बंदा आने वाला है। तो आज जो कंटेंट बहुत ही धांसू करने वाला है, ये एक्सपीरियंस है ना यार, वो मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है कि हम रूम में शूट कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही थी कुछ धांसू सा प्रैंक लेके आओ यार, तो कुछ अलग सोच है। लेट्स सी कैसा होने वाला है सब कुछ, और वेट करते हैं 5-10 मिनट बंदे का और देखते क्या होता है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है लॉकडाउन में सब घर बैठे हैं और किसी के पास पैसे नहीं है, क्वारंटाइन में कोई काम भी नहीं मिल पा रहा है जिससे आप पैसे कमा पाओ। तो ये प्रॉब्लम मैं आपके सॉल्व कर सकती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही अच्छी वेबसाइट के बारे में जिसका नाम है binani.com। binani मैं पिछले 3 महीने से यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर रही हूँ। और आज के टाइम में यही एक तरीका बचा है पैसा अर्न करने का जिससे आप भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको इसे यूज़ करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमको टाइम पीरियड चूज़ करना है, उसके बाद डिपॉजिट सेलेक्ट करना है और आपको ग्राफ को एनालाइज करना है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सो मैं हमेशा ग्रीन बटन दबाती हूँ जब भी ग्राफ नीचे जाता है, तो इसमें जीतने के चांसेस 80-90% होते हैं। बाइनानी की सबसे खास बात ये है, इसका विड्रॉल सिस्टम और इसका पे आउट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने जीते हुए पैसों को डायरेक्ट पेटीएम वॉलेट में भी विड्रॉल कर सकते हो। ये अभी तक का सबसे तेज़ तरीका है पैसे कमाने का। जैसा कि आप लोगों ने देखा, बिनानी बहुत ही आसान प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग के लिए। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, आप भी इस साइट पर जाके घर बैठ के अच्छे खासे पैसे कमाओ ट्रेडिंग करके। सो देर किस बात की, जल्दी से जाओ बिनानी को यूज करो, घर बैठ के ट्रेडिंग करो और बहुत सारा पैसा कमाओ। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया ही गया है। गेट खुला हुआ है। अबे ये क्या हो रहा है? मजे ले रहे थे, मजे ले रहे थे बस। एक मिनट आ जाओ, बैठो। कैसे हो तुम? बैठो, आराम से बैठ जाओ। इतना मजाक कर रहे थे ना, तुम बैठो एक बार। बैठो, हम बताते हैं। क्यार, कैसे हो तुम? बढ़िया। हमारी बंदी से मिल लो, तुम्हारी या किसी और की पता नहीं। किसी और की मतलब क्या होता है? वो मेरी है यार, मैं तुम्हें बताने वाली थी। क्या बताने वाली थी? हंसो मत, यहाँ मेरी जिंदगी से हो रहा है। बताओ क्या है, चक्कर क्या है तुम्हारा? यार एक्चुअली मैं रिट्स को लाइक करती हूँ। अबे मजाक कर रही हो, वो तो लड़की है यार। आई नो वो लड़की है, बट क्या तुम ये कहना चाहते हो, तुम लेस्बियन हो? हाँ। अबे मजाक यार, हमारा ना लड़कों में इंटरेस्ट है एक्चुअली। यार दिमाग ना खराब कर। हेलो हेलो, एक मिनट। मतलब तू 4 साल से मेरे साथ है और ऊपर से ऐसे काम बोल रही है? चिल 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 बाबा, कुछ यार मैं तुम्हें बताने वाली थी बट मुझे अच्छा नहीं लगता था बताना। यार तुम क्या सोचोगे मेरे बारे में? यार देखो, आजकल तुम्हें पता है ये सब चीज़ें लीगल है और होता है यार, हमारी चॉइस होती है ये। मुझे पता है तुम लोग रिलेशनशिप में हो, बट मेरा तो यार मेरे साथ 4 साल से लगी, मेरी जिंदगी से। तो तुम्हें 4 साल में उसके साथ फीलिंग्स आई? बता ना यार इसको सब कुछ। अच्छा इसीलिए तुम मुझे नहीं आती यार, इसीलिए तुम, मतलब मैं तुझे किस करने लगता था तुम इधर कर लेती थी। हाँ यही वजह, यही वजह उसको नहीं फीलिंग्स आती, उसका लड़कियों में इंटरेस्ट है। एक सेकंड, तुम रो क्यों रहे हो? एक मिनट बैठो, मतलब बैठो, बैठो प्लीज प्लीज। यार सुनो यार, सॉरी मैंने तुम्हें नहीं बताया बट यार मत यार मतलब तुम लोग करते थे तो दूर रहते ना यार उससे।
यार सॉरी हमने तुम्हें बताया नहीं, बट तुम्हें पता ना मैं भी इतने टाइम मेरा दिल हो रहा है मर जाऊं जाके यार। यार ऐसा मत बोलो ना यार प्लीज। सिर्फ यही रीजन था कि हम लोग रिलेशनशिप में नहीं आ रहे थे और ये तुम्हारे साथ थी, सिर्फ तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहती थी। बट वही है ना कि किसी को बेड पे फीलिंग्स ही ना आए और क्या फायदा उस रिलेशनशिप का भी। यार गया था यार इससे। यार मैं नहीं चाहती थी यार तुम्हारा दिल टूटे, मुझे लगा था एक ना दिन ये दिन तो आना ही है ना। आई एम सो सॉरी मनीष, सॉरी प्लीज, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा यार। मैं तुझे इतना प्यार करता था यार तुझे। यार मैं क्या करूं जब मेरे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। तुम समझो बात को, प्लीज डोंट क्राई प्लीज। रोने ही रह गया। हमने सिर्फ तुम्हें इसलिए यहाँ पे बुलाया था कि हम तुम्हें सच बताएं आज। अच्छा सच देख लिया मैंने। यार प्लीज मनीष रो मत ना यार प्लीज। यार दिल गरम जागे मर जो यार। यार मनीष ऐसा मत बोलो यार, इसलिए मेरा मन नहीं था बताने का यार, तुम्हें बहुत हर्ट होगा मुझे पता था यार। ठीक है मैं जा रहा हूँ, तू इसके साथ ही खुश रह यार। बैठो यार प्लीज यार, समझो हमारी बात को कि हमारा लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है इसीलिए, दैट्स व्हाई हम लोग रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे थे, बट वो तुम्हारी खुशी के लिए आई। और वैसे भी हमारे घर वाले एक्सेप्ट कर चुके हैं हमें, हमारे घर वाले एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो समझते हैं। इसको पता है हमारे बारे में, मम्मी को भी पता है। हाँ यार हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, समझो बात को। ठीक है यार तुम लोग जाओ मेरे साथ, मैं जा रहा हूँ। प्लीज डोंट ट्राई यार प्लीज मनीष, प्यार किया यार मतलब एक एक सेकंड में। मत मैं वही सोचता था कि मेरे को रिप्लाई क्यों नहीं आता। अच्छा तुम लोगों का आपस में था तो यार तू मेरे साथ क्यों रही? बट ये गलत थोड़ा है। गलत नहीं है ठीक है, पर मेरे साथ तो नहीं रहना था ना उस टाइम पे। वो तुम्हारी खुशी के लिए रह रही थी ना तुम्हारे साथ। खुशी के लिए यार, मेरे को पहले ही बता देती जब तुम्हारे में ऐसा था तो। मतलब 4 साल के बाद तुम लोगों को ये चीज डिसाइड किया तुम्हें अलग रहना, तुम्हें एक दूसरे के साथ के लिए। सॉरी यार उसके लिए, वो गलती वो रियलाइज कर रही है ना यार, वो अपोलोजाइज थी यार ऐसा, अपोलोजाइज कर रही है वो कि उससे गलती हुई है, पर तुम्हें समझनी पड़ेगी ये चीज नहीं है उसका लड़कों में इंटरेस्ट। मैं दूर ही चले जाऊंगा, सिर्फ यही रीजन है मैं भी रिलेशनशिप में नहीं आई। प्यार करता हूं प्लीज, इसका ध्यान रखना यार, बहुत प्यार करता हूं। प्लीज डोंट क्राई, मुझे पता तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन हम लोग उससे ज्यादा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम नहीं रह सकते यार एक दूसरे के बिना, समझो। तुम लोग एक दूसरे हम नहीं रह सकते, तुम लोग एक दूसरे के साथ रहो। मैं जा रहा हूँ ना, खुश है ना तुम लोग? तुम लोग खुश हो ना? हम बहुत खुश हैं मनीष यार, हमारी खुशी की बात नहीं है यार, तुम भी तो खुश होना है। सॉरी यार, ठीक है मेरे को अब सोचो मत, जब ये कर लिया बस सोचो मत। सॉरी एक दो दिन हुआ, एक महीने में बता देती तू मुझे, क्योंकि 4 साल बहुत होता है यार। तो 4 साल उसे तुम्हारे साथ फीलिंग यार, वो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे साथ थी। मुझे पता है खुशी के लिए किया वो, उसने कभी तुम्हें उसको वो चाहती थी, वो मेरी केयर करती थी इसलिए उसने किया, मैं समझ रहा हूं। तुम्हें पता है वो अगर फिजिकल हुई तो तुम्हें लेके कभी तुमने ऐसा फील किया कि वो सीरियसली है? यार मैंने तुम्हें फील भी नहीं होने दिया यार इस चीज का। वो चीज ठीक है पर वही है वो अपोलोजाइज कर रही है यार, गलती हो गई उससे। मजाक भी लग रहा हो ना तो तुम देख सकते हो यार कि हम लोग कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, यहाँ देख सकते हो। हाँ मैं देख लिया, बहुत प्यार करते हैं यार हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, समझो बात को। और हम शादी भी करेंगे, ठीक है शादी घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया। मैं खुश है ना तू? मैं तो खुश हूँ लेकिन तो हाँ मैं खुश हूँ यार, तेरे बढ़कर मेरे लिए खुशी कोई नहीं है यार। मनीष आई एम रियली सॉरी यार, तुम लोग खुश रहो प्लीज यार, तुम लोग यार खुश रहो, इसका ध्यान रखना यार प्लीज यार। मैं ध्यान रखूंगी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूं, मेरी दोस्त थी यार, मुझे इसने तेरे को मिलवाया था, मुझे नहीं पता तुम दोनों में यार ये रिश्ता है तुम्हारा, पहले पता होता तो मैं खुद ही अलग हो जाता, पर पता ही नहीं चल रहा यार कभी, वो मेरी केयर करती थी, मैं सब कुछ मैं मानता हूँ तुम्हारा जब भी यार। चलो यार ठीक है, तुम लोग खुश रहो यार, तुम समझाओगे ना अपने दिल को? हाँ मैं समझा दूंगा, प्लीज डोंट ट्राई। हाँ ठीक है मैं चुप हूँ यार, हम एज अ गुड फ्रेंड हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है यार सच में हम हमेशा साथ रहेंगे यार, फ्रेंड्स बन के बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है तुम लोग, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना हमारे रिलेशनशिप से? दिक्कत नहीं है। मनीष सॉरी ना यार प्लीज,
रियली सॉरी यार। अच्छा तुम्हें हम ना एक चीज बता रहे थे कि कैट की एक चीज और है जो तुम्हें पता नहीं है क्या? और हम तीनों के सिवा एक और चीज भी है यहाँ पे, एक और चीज भी है जो तुम्हें नहीं पता है, लेकिन हम दोनों को पता है, वो तुम्हें बताना जरूरी है। या तुम लोग रेड्स या मेरे पे प्रैंक कर लिया तुम लोगों ने? यार मतलब मेरा तो दिल ही हिल गया। मेरे को ये तो पता था तुम बहुत तगड़ा प्रैंक करती है, पर मेरी वो आट लग गई। अबे यार कसम से तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते थे यार, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। अरे यार पता है यार मेरे को ना अच्छे लगते थे तुम हमेशा ऐसा, यार मतलब याद है हमने लेसमेंट बन गए, एक वीडियो भी की थी हमने साथ में याद है वो पुलिस वाली, जब तुम मुझे मिले थे तभी से हम लोग अच्छे फ्रेंड्स बने थे। तो सोचा यार कि बंदा अच्छा दोस्त बन गया इससे कर दिया जाए, इसका काट दिया जाए। हाँ यार पुलिस वाली वीडियो जब भी उसमें ना डांट फोड़ पड़ी थी मेरे को याद है ना, बहुत सीन हो गया था यार। बहुत सीन हुआ था यार, जब भी आई मेरी जान है यार, और तुम भी मेरी जान हो, तुम तो मेरी दोस्त हो। मेरी एक जान हो रहा है, एक जान हो रहा है, बताओ क्या क्या कैमरा। हाय सब्सक्राइब कर दो सब साइज जितने भी सबको इसकी जुबान बस एक ही सब्सक्राइब होना चाहिए रिट्स का वन, जल्दी से जल्दी कर दिया ना तगड़ा प्रैंक करवा दो और कर दो। आज मेरा हो चुका है, कट चुका है बहुत तगड़ा वाला, और मेरी गर्लफ्रेंड ने ही समझ गए ना, ये दोनों लेस बेल हो चुके हैं। नहीं हुए यार, यहाँ पे कोई लेसबियन नहीं है, हम सिर्फ एक प्रैंक शूट करते हैं यार, और ये लोग बहुत खुश हैं आपस में। बाकी आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो यार। ये भाई मजा आया बहुत। हाँ कितना रो लिया यार तू, हद है यार, थोड़ा और रो के दिखा। चलो चलो कैमरा ऑफ कर देते हैं यार।